दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल 10 शेयर्स के बारे में, जहां पर इस गिरावट में आप खरीदारी करते हुए चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स आपको मल्टी बेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, लॉन्ग टर्म में सिर्फ आने वाले 3 सालों की मैं बात कर रहा हूं, 2025 तक आप इन शेयर्स को होल्ड करके चलिए, डेफिनेटली आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले शेयर्स का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज ही के दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दिया है और ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने पिछले 1 साल में सिर्फ 7.5% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन यहां पर एक आपके पास अपॉर्चुनिटी बन रही है इस मल्टी बेगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड करते हुए चलने की। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। जी हां दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर भी कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन बजाज फिनसर्व लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए ये साल बहुत ही शानदार रहा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल में कंपनी ने लगभग 70% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। ये एक ब्लू चिप शेयर से जहाँ पर अगर आप खरीदारी भी करते हैं, सिर्फ एक शेयर भी खरीदते हैं, तो ये एक शेयर ही आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRCTC। IRCTC के अंदर हमें कंटिन्यूसली करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, शेयर वापिस हमें कंसोलिडेशन फेस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पर IRCTC कुछ ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में इसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं और हमें भी पता है कि IRCTC कभी बंद होने वाली कंपनी नहीं है, और साथ ही साथ आने वाले 3 साल में इंडियन रेलवेज की जो डिमांड है वो और तेजी से बढ़ने वाली है, जिसका सीधा बेनिफिट अगर किसी कंपनी को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ IRCTC है। पिछले 1 साल में कंपनी ने लगभग 119% तक के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, तो यदि आप IRCTC के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप करंट प्राइस पर खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर बैंकिंग सेक्टर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर HDFC बैंक लिमिटेड का शेयर भी अभी आपको देखने को मिल रहा है, शेयर्स अभी अपने 200-day मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेश पोजिशंस बनाना चाहते हैं, तो 1400 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर भी खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की तेजी हमें SBI कार्ड के अंदर देखने को मिल रही है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने 1000 रुपये के लेवल से भी SBI कार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं यही कहना चाहूँगा कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, समय खराब है, टेक्निकल लेवल्स अभी थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो SBI कार्ड को भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है SBI लाइफ। जी हां दोस्तों, SBI लाइफ, जहां पर आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 8 रुपये की तेजी इस कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन ये कंपनी भी आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। SBI लाइफ की बात करें या फिर HDFC लाइफ की बात करें, दोनों ही कंपनियां बहुत ही शानदार है। अभी दोनों ही कंपनियों की पिटाई हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी शेयर्स गिर चुके हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी आपको दोनों ही शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यदि आप HDFC लाइफ या फिर SBI लाइफ को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक सही मौका बन रहा है इन शेयर्स के अंदर भी खरीदारी करने का। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शेयर किसी भी प्राइस पर आप इस शेयर को बाय करते हुए चल सकते हैं। अब देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11% की तेजी हमें टाटा एलेक्सी के अंदर देखने को मिल चुकी है, यानी कि
एक शेयर के ऊपर 850 रुपए का रिटर्न्स कल ही के दिन यानी कि सिंगल डे में टाटा एलेक्सी ने अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। इस कंपनी की डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और 8,500 रुपए का ये शेयर आपको देखते ही देखते 10,000 और फिर 15,000 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर एड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे लास्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इंफोसिस लिमिटेड के भी जो टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं वो 4,000 रुपए तक के निकल कर आ रहे हैं। नो डाउट कंपनी की परफॉर्मेंस जिस प्रकार से बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में तो 2,500 रुपए तक के रिटर्न ऑलरेडी बनाकर दे सकती है। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करते हुए देखने को मिल चल सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।